किसी भी रैपर या फिर म्यूजिशियन के लिए एक रिकॉर्ड लेवल से साइन होना बहुत बड़ी बात होती है। सबका गोल होता है कि एक बड़े रिकॉर्ड लेवल से साइन हो जाए, और ये इंडिपेंडेंट सीन अभी के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर ख़ास करके कुछ साल पहले जब इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था तो रिकॉर्ड लेवल्स छोड़ के कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचता था म्यूजिशियंस के लिए अपने वर्क को पब्लिक के सामने लाने का। तो रिकॉर्ड लेवल्स का रोल म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले भी और आज भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये रिकॉर्ड लेबल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, उनकी डील्स कैसी होती है, वो आर्टिस्ट को कैसे साइन करते हैं और वो कहां कहां से पैसे कमाते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर देना चैनल अगर कंटेंट अच्छा लगे। इंडस्ट्री रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट्स हैव ट्रेडिशनली बीन डिपेंडेंट अपॉन रिकॉर्ड लेबल्स टू प्रोवाइड विद फंड्स, ब्रॉड इन देयर फैन बेस, मार्केट देयर एल्बम्स। योर ऑडियंसेस पॉकेट स्लैश योर लेबल्स पॉकेट टू योर पॉकेट। लाइक टाइम्स इफ यू आस्क फॉर मनी इट बिकम्स लाइक डूड बहुत एटीट्यूड आ गया सिंस। वाओ, एक म्यूजिशियन बनने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है जो आप चुनेंगे कि यहीं से जाऊंगा तो म्यूजिशियन बनूंगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन व्हाट जॉनरा यू आर गेटिंग। तो रिकॉर्ड लेबल्स वो म्यूजिक कंपनीज होती हैं जो कि आर्टिस्ट से एक हिसाब से उनका वर्क खरीद लेती हैं, और उसके बाद उसे अच्छे से प्रोड्यूस करती हैं, उसमें इन्वेस्ट करती हैं, उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस लाती हैं, और उस कंटेंट से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करती हैं, और उसके बाद डील के अकॉर्डिंग आर्टिस्ट और म्यूजिक लेबल के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग स्प्लिट हो जाता है। अगर हम म्यूजिक लेवल्स की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक मेजर जैसे कि टी सीरीज या सोनी, ये सब बहुत बड़े बड़े म्यूजिक लेवल्स हैं, और इसके बाद आते हैं कुछ छोटे जिनका बजट छोटा होता है, उनके ऑपरेशंस भी छोटे होते हैं और वो लोकली ऑपरेट करते हैं। और जब बात आती है रिकॉर्ड डील्स की तो वो भी वेरियस टाइप्स की होती है। एक जो सबसे बेसिक होती है वो 50-50% आर्टिस्ट और म्यूजिक लेबल के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग वाली होती है, जो कि आपको टी सीरीज और सोनी म्यूजिक इंडिया में देखने को मिलती है। और इस टॉपिक पे कि रैपर्स कैसे पैसा कमाते हैं, हमने एक वीडियो बना रखा है, उसे भी जरूर चेकआउट करना। इसके बाद आता है साइंड डील्स। आपने देखा होगा कि रफ्तार के ज़्यादातर गाने सोनी म्यूजिक इंडिया से आते हैं और हनी सिंह के टी सीरीज से। तो कुछ लेबल्स कुछ आर्टिस्ट को साइन कर लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उतने समय तक वो आर्टिस्ट उस लेबल के साथ ही काम कर सकता है। एंड डिपेंडिंग ऑन डील्स कहीं कहीं पे ये भी होता है कि वो आर्टिस्ट किसी के साथ कोलाबरेशन या अपना सोलो ट्रैक्स भी रिलीज नहीं कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ रिकॉर्ड लेबल। उसके बाद आता है फिक्स्ड डील्स, जिसमें कि ऐसा होता है कि सपोज म्यूजिक लेबल ने 10 लाख रुपये में एक आर्टिस्ट से उसका एक गाना ले लिया, और उसके बाद उस गाने के साथ क्या करना है वो म्यूजिक लेबल डिसाइड करेंगे, वो गाना चलता है या नहीं चलता है ये सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिस्ट को बस एक बार पैसा दे दिया जाता है और उसे लाइफ टाइम रॉयल्टी की शेयरिंग नहीं मिलती है। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक नया टर्म आया है, 360 डिग्री रिकॉर्ड डील्स, जिसके बारे में बहुत सारे आर्टिस्ट को उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में नहीं पता था, और उन्होंने साइन कर दिया डील और बाद में वो पछता रहे थे। तो इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो चलो अब ये बात करते हैं कि रिकॉर्ड लेबल्स अर्न कैसे करते हैं। तो म्यूजिक का पूरा कॉपीराइट रिकॉर्ड लेबल्स के पास ही होता है, और उसे हर जगह पुश करते हैं, एंड वहाँ से ऑब्वियसली उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है। इसके अलावा वो गानों का रीमेक वगैरह भी बनवा देते हैं, और इसके लिए वो आर्टिस्ट का परमिशन तक नहीं लेते हैं या फिर उनसे पूछते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पास उन गानों के राइट्स होते हैं और रीमेक वगैरह से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो अगर एक टर्म में हम सोचें तो रिकॉर्ड लेबल्स उस म्यूज़िक को बेच के जितना ज़्यादा बिजनेस हो सकता है उतना ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। पहले के टाइम में ये जो मेजर अर्निंग आता था वो सीडीज़ एंड कैसेट्स के सेलिंग से आता था, और आज के टाइम में ये लगभग एब्सोल्यूट हो रहा है, और बहुत ज़्यादा डिजिटल सेल्स हो रही है एंड फिजिकल सेल्स लगभग बंद हो गई है। और पहले के टाइम पे यही तरीका था कि रिकॉर्ड लेबल्स आर्टिस्ट के वर्क को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अपने सप्लाई चेन के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचाते थे। तो जब ये फिजिकल म्यूजिक सेल्स कम हो गया तो उसके बाद रिकॉर्ड लेबल्स को एक नया तरीका ढूंढना था, और उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, 360 डिग्री रिकॉर्ड डील।
इस डील के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्ड लेबल एक आर्टिस्ट को साइन करती है और उसे फुली मैनेज करती है, और आर्टिस्ट के म्यूजिक सेल्स के अलावा जितने भी अदर रेवेन्यू जनरेट करने के स्ट्रीम्स हैं उन सब में रिकॉर्ड लेबल का शेयरिंग होता है। अगर हम म्यूजिक सेल्स के अलावा आर्टिस्ट के इनकम के सोर्सेस की बात करें तो वो उनके टूर्स होते हैं, उनके लाइव कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनकी मर्चेंडाइज होती है, इसके अलावा ब्रांड इंडोर्समेंट होती है, और भी बहुत सारी लाइसेंसिंग रिलेटेड इनकम सोर्सेज होती हैं, और इन सब में लेबल अपना एक पोर्शन लेता है। तो अगर हम ये बात करें कि रिकॉर्ड लेबल्स अच्छे होते हैं या ख़राब, तो इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि अगर आप एक सही रिकॉर्ड लेबल के साथ एक सही डील में जाते हो जहाँ पे आपको पता है कि हाँ मेरे क्या गोल्स हैं, एंड रिकॉर्ड लेबल को भी पता है कि उनके क्या गोल्स हैं, और आर्टिस्ट और रिकॉर्ड लेबल के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो रिकॉर्ड लेबल्स बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकते हैं आपके म्यूज़िक करियर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुरु रंधवाना को देखो तो वो जब से लेबल के अंडर आए तब से उनका म्यूजिक करियर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोरीज हैं, जैसे कि सलीम मर्चेंट ने एक बार ये कहा था कि यशराज फिल्म्स ने उन्हें 4 साल से उनके रॉयल्टीज के शेयरिंग नहीं दिया है, और बहुत सारे आर्टिस्ट ने भी उनके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाए थे कि उनको उनको रॉयल्टी का शेयरिंग नहीं मिल रहा है। और सोनू निगम भी टी सीरीज़ के बारे में बात करते रहते हैं कि कैसे वो आर्टिस्ट को एक्सप्लॉइट करता है। और अगर हम बाहर भी देखें तो ब्लू फेस, लिल याची, लिल यूजी वर्ट, इन लोगों ने भी बहुत बार रिकॉर्ड लेबल्स के साथ प्रॉब्लम फेस किया है। कुछ ऐसे टर्म्स एंड क्लॉजेस थे जिनके बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं, और उसके बाद कुछ ऐसा एटीट्यूड भी था रिकॉर्ड लेबल्स का जिसके कारण ये अपने गाने वगैरह तक नहीं रिलीज़ कर पा रहे थे, तो उनका रिकॉर्ड लेबल्स के साथ एक बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। बट हाँ, रिकॉर्ड लेबल्स के को डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी सारी कॉस्ट वगैरह बेयर करते हैं, बाद में भले ही वो आपसे ही रिकवर करते हैं, बट फर्स्ट अगर आपको एक गाना डालना है जिसका अराउंड 10 लाख बजट है और आपके पास नहीं है, तो आपको एक रिकॉर्ड लेबल हेल्प करता है उस गाने को एक बहुत सही से रिलीज करने में, और बाद में उससे जो अर्निंग आती है उसमें से ऑब्वियसली वो जितना आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं वो आपसे कवर कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब आप किसी एक रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन हो जाते हो तो वो आपके अर्निंग के सोर्सेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। अगर सपोज पहले आप 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, तो अगर आप एक रिकॉर्ड लेबल के साथ साइन होते हो तो आपके उस 10 लाख को पहले 50 लाख बना देते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रांड एंडोर्समेंट वगैरह के डील्स होते हैं, और वो ऑब्वियसली आपको मैनेज करते हैं, एक पूरी टीम होती है जो आपको मैनेज करती है, आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करती है, आपका PR करती है, और इससे ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है। तो सपोज़ आपकी 10 लाख की अर्निंग को वो 50 लाख बना देते हैं, और बाद में उसमें से अगर वो 30 लाख ले भी लेते हैं फिर भी आपको 10 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप सही से आप एक अच्छे डील में जाते हो तो रिकॉर्ड लेबल्स कोई बुरी चीज़ नहीं है। हम इस पे ही एक सेकेंड पार्ट बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें कि हम डार्क साइड ऑफ म्यूज़िक इंडस्ट्री और रिकॉर्ड लेबल्स का कवर करेंगे, जिसमें हम ऐसी कहानियों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे म्यूज़िक लेबल ने आर्टिस्ट के साथ गलत किया, उनको ऐसे डील्स में फंसाया और बाद में उनको एक्सप्लॉइट किया, और कैसे इनके इंडस्ट्री में मोनोपोली चलती है और ये नए आर्टिस्ट को सप्रेस करते हैं, या कोई भी अगर इनके अगेंस्ट जाता है तो वो उसको कैसे बॉयकॉट करते हैं। तो अगर उस टॉपिक पे भी एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करना कि यस वी वांट सेकंड पार्ट। और उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते तो हैं बट यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होता है। और इस चैनल पे हिप हॉप से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंटेंट है, जैसे कि ओल्ड हनी सिंह और नए हनी सिंह के बीच में क्या मिसिंग है, और रैपर्स कैसे पैसा कमाते हैं, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय।